दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अपने YouTube चैनल पे कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके वॉच टाइम को इंक्रीज करने में कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों अगर आप अपने YouTube चैनल पे वॉच टाइम को पूरा करना चाहते हैं, वॉच टाइम को कंप्लीट करके मोनेटाइजेशन के जरिए अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज से ही आपको इन चीजों को बंद कर देना है जिससे कि आपको मोनेटाइजेशन को कंप्लीट करने में या फिर वॉच टाइम इंक्रीज करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों जब कोई इंसान पहली बार YouTube पर आता है ये सोच के कि वो YouTube से अर्निंग करना चाहता है या फिर YouTube पर लंबे समय तक रहना चाहता है और YouTube वीडियोस बनाना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है, तो ऐसे में उसको कई चीजों को सामना करना होता है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती है बहुत सी चीजों की। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक सी नॉलेज देने वाला हूं जो हर YouTube क्रिएटर के काम की है और वो उन YouTube क्रिएटर्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके चैनल के लिए ये सही नहीं होता और खासकर अगर आप वॉच टाइम के नजरिए से देखोगे तो आपके लिए ये बहुत घातक साबित होगा और इससे आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो आपको क्या चीजें नहीं करनी है अब वो जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहली चीज जिससे कि आपके चैनल पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस इससे 100% खराब होगी, और वो ये है कि आपको अपने व्यूअर्स को मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए मिसगाइड जो है आप कई तरीके से देख सकते हैं कि बहुत से यूट्यूब क्रिएटर्स करते हैं। कई बार वो थंबनेल में कुछ ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जिससे कि बहुत से व्यूअर्स आकर्षित होकर उस थंबनेल पे क्लिक करते हैं, उस वीडियो पे विजिट करते हैं और उस वीडियो को देखते हैं, पर उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो कि थंबनेल में दिखाई जाती है। तो ये होता है मिसगाइड करना। या फिर आप देखते होंगे कि कई बार टाइटल कुछ ऐसे लिखे जाते हैं जिससे कि लोग आकर्षित होकर उस वीडियो पर क्लिक करते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, बट वो भी वहाँ पे मिसगाइडेड होकर उस वीडियो पर जाते हैं, बट वहाँ पे उनको वो चीज़ नहीं मिलती जो कि टाइटल में बताई जाती है। तो ऐसे में दोनों ही तरीके से अगर कोई भी YouTube क्रिएटर किसी भी व्यूअर को मिसगाइड करने की कोशिश करता है या कुछ गलत तरीके से मिसगाइड करता है तो ऐसे में उनके चैनल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि ऐसे में उनके चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है और ये स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं बल्कि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक होती है। और मेरे नजरिए से अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो खतरनाक स्ट्राइक है वो यही लगती है, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक, क्योंकि कॉपीराइट जब आता है तो ऐसे में आपके पास 2-3 तरीके होते हैं बचने के, बट आपके पास अगर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ जाता है ना तो एक तरह से आपकी रिस्पेक्ट आप जो होती है YouTube की नजर में वो खराब हो जाती है। तो ये चीज आपके चैनल के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है और इसके साथ ही आपके वॉच टाइम के लिए भी ये बहुत खराब चीज है। वो इसीलिए मान लीजिए अगर आपने मिसगाइड किया, ठीक है, आपने टाइटल में कुछ ऐसी चीजें लिख दी जिससे कि लोग आकर्षित होकर आपके वीडियो पे आते हैं बट उनको वो चीज नहीं मिलती है, या आपने कुछ अलग ही टाइटल लिख दिया किसी और टॉपिक से रिलेटेड बट आपके वीडियो में वो चीज नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में जो व्यूअर्स आपकी उस वीडियो पर विजिट करते हैं वो आपकी वीडियो को पूरा नहीं देखते और क्लिक बैट कर जाते हैं। इसके साथ ही कई तो ऐसे होते हैं जो आपकी वीडियो की रिपोर्ट कर देते हैं YouTube को, और YouTube जब इस चीज को चेक करता है और उनको सही लगता है तो वो आपके चैनल पे स्ट्राइक भी देते हैं। और इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब क्लिक बेट यूजर्स करते हैं तो ऐसे में आपके पोस्ट टाइम पे तो फर्क पड़ता ही है, साथ ही साथ आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस पे भी बुरा असर पड़ता है और आपकी वीडियो रैंक में नहीं आ पाती और YouTube जो है आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करता क्योंकि आपकी वीडियो पे क्लिक बेट होता जाता है जिससे कि आपका ऑडियंस रिटेंशन उस वीडियो पे खराब हो जाता है और आने वाले टाइम में भी आपकी वीडियोस पर इससे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो एक चीज का आपको खासकर ध्यान देना है कि आपको मिसगाइड कभी नहीं करना है, भूल के नहीं करना है, भले आपका चैनल छोटा है या फिर बड़ा है, आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि इससे आपको ही नुकसान होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको दूसरी चीज ये नहीं करनी है कि आपको अपनी वीडियो को बिना मतलब का लंबा नहीं बनाना है। अगर आप अपनी वीडियो को बिना मतलब का लंबा बनाओगे सिर्फ वॉच टाइम इंक्रीज करने के लिए तो इससे आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी वीडियो में वो चीज नहीं है कि इतना लंबा बनाया जा सकता है तो उस वीडियो को लोग नहीं देखेंगे इतनी देर तक और ऐसे में ऑडियंस रिटेंशन खराब होगा और आपकी वीडियो फिर ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी। अगर आपकी वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी तो वॉच टाइम इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी वीडियो अगर 100 लोगों ने देख भी ली और लंबी वीडियो होने के वजह से जो है आपको अच्छा खासा वॉच टाइम भी मिल जाता है 100 लोगों, लेकिन अगर उन लोगों ने आपकी वीडियो को ज्यादा देर तक नहीं देखा होगा तो ऐसे में आपका ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाएगा और यूट्यूब आपकी वीडियो को फिर आगे प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि यूट्यूब को लगेगा कि आपकी वीडियो में ऐसी कोई खास चीज नहीं है जो लोग देखना चाहते हैं, तो ऐसे में आपकी वीडियो का परफॉर्मेंस खराब होगा और आपके लिए ये चीज अच्छी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक टिप और दूंगा कि जब भी आप वीडियो क्रिएट करें तो सबसे पहले खुद श्योर हो जाए कि आपको बोलना क्या है, आपको समझाना क्या है आपकी ऑडियंस को, आपका जो टॉपिक है वो आपके अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझा पाओगे, अच्छे से बता पाओगे, अपने ऑडियंस को एंगेज कर पाओगे ताकि आपकी वीडियोस को लोग ज्यादा देर तक देखें और उससे अगर लोगों को फायदा होगा तो वो देखेंगे, अगर उनको लगेगा कि उनको फायदा नहीं हो रहा तो ठीक है नहीं देखेंगे, बट आपको खुद पहले क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हो आप क्या बताना चाहते हो और क्या बोल जाते हो तो ऐसे में आपकी वीडियो पे गलत प्रभाव पड़ता है,
और आपकी वीडियो का परफॉर्मेंस खराब होता है और आपके वॉच टाइम पर भी इससे बुरा असर पड़ता है, आपका वॉच टाइम इंक्रीज नहीं हो पाता है उतनी तेजी से जितना कि होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपकी वीडियो का इंप्रेशन अच्छा हो सके, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए आपको फर्स्ट में ही आपका इंप्रेशन जो है ना काफी अच्छा दे देना है ताकि ऑडियंस को स्टार्टिंग में ही लगे कि इस वीडियो में उनको कुछ मिलने वाला है देखने के लिए और उनको कुछ ऐसी नॉलेज मिल सकती है जिससे कि उनके चैनल ग्रो हो सकता है या फिर जो भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हो उससे रिलेटेड जो ऑडियंस आपके चैनल पे आ रही है उनको लगे कि इस वीडियो में मुझे कुछ मिलेगा और वो इस नजरिए से आपकी वीडियो अगर देखेंगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा, आपका वॉच टाइम भी जल्दी इंक्रीज होगा। इसके अलावा दोस्तों लास्ट चीज जो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपकी वीडियो में। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बड़े टॉपिक पे वीडियो ले लेते हैं और ऐसे में जब लोग वीडियो बनाते हैं उस टॉपिक पे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही और वो पता नहीं फिर लंबी वीडियो बनाते जाते हैं लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं वो ऑडियंस समझ नहीं पाती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली अपने अंदर रखनी है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, अपनी ऑडियंस को बिल्कुल इंगेज रखना स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टोरी टाइप कंटेंट बनाते हो तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टोरी हमें काफी अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को अच्छी लगती है और स्टोरी के माध्यम से अगर आप अपने कंटेंट को पेश करोगे, अपने कंटेंट को बिल्कुल लोगों के सामने लेके आओगे तो ऐसे में आपके चैनल के लिए काफ़ी अच्छा होगा और आपके वॉच टाइम के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए आपको नॉलेज भरी वीडियो बनानी है ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो इंगेज हो पाए। अब इसके अलावा बहुत से लोग गेमिंग वीडियोस भी बनाते हैं तो गेमिंग वीडियोस में अगर आप स्टोरी टाइप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और ऐसे टॉपिक पर अगर आप वीडियोस बनाते हो तो ऐसे में ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा देर तक आपकी वीडियो देखती है, बट ऐसे में कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बट इसके साथ ही आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, आपकी वीडियो में कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करने होंगे जिससे कि ऑडियंस इंगेज हो सके और लंबे समय तक आपकी वीडियो पर बनी रहे, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन ही आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सो आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले टाइम में भी हमारी वीडियोज ऐसे ही अच्छी लगती रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको YouTube पर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।